हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज सबसे पहले दिन विशेष है 5 सितंबर का। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। याद आता है वो पिछला 5 सितंबर, उसके पहले के 5 सितंबर जब हम क्लास में उपस्थित रहते थे, प्रेजेंट रहते थे, आपके सामने रहते थे, रूबरू रहते थे, लेकिन आज विशेष परिस्थितियों में इस वीडियो के द्वारा, वर्चुअल क्लास के जरिए मैं आपके साथ आज कनेक्टेड हूँ, आज जुड़ा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप अपने उद्देश्य में सफल हों। एक टीचर की यही इच्छा होती है, यही उसकी हार्दिक अभिलाषा होती है, क्योंकि आपकी सफलता से ही मेरा भी अपना सम्मान बढ़ता है। जब आप सफल होते हैं तब मुझे भी गर्व होता है कि हमारे पढ़ाने से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। यही आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी पूरी लगन और मेहनत से अपने उद्देश्य के प्रति जुटे रहेंगे, रातों दिन एक कर देंगे, मेहनत करेंगे, और जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ उससे आप सब्जेक्ट को समझ करके बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा के साथ आज के दिन की विशेष बधाई, और एक नए वीडियो के साथ, एक नए फाइलम के साथ हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो फाइलम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप कहलाता है, लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है, जिसमें अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। 1,200,000 जंतु जातियां अगर टोटल हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसकी चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं, उसमें अधिकतम लगभग 1,000,000 स्पीसीज हैं। इट इंक्लूड्स अबाउट 1,000,000 एनिमल स्पीसीज, दैट्स व्हाई इट इज़ द बिगेस्ट फाइलम एज फार एज नंबर्स ऑफ एनिमल्स आर कंसर्न। तो सबसे अधिक संख्या होने की वजह से बड़ा ग्रुप है, बहुत वेरिएशन है इनके कैरेक्टर्स में भी, नेचुरली इनके क्लासिफिकेशन में बहुत वेरिएशंस हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उन सब की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो आज फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। एनलिड्स तक की बात आपसे हम कर चुके थे, आर्थ्रोपॉड्स के कैरेक्टर्स एंड देन क्लासिफिकेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उनकी चर्चा आज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के डिटेल्स आपको बताऊं। हालांकि ये डिस्कशन मैं कंप्लीट कर चुका था, लेकिन टेक्निकल इशू के वजह से ये मुझे फिर से आपको रिवाइज करके सेंड करना पड़ रहा है, तो ये ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत आ जाती हैं बीच बीच में। बहरहाल चलिए, सारी चीज़ें मैंने रिटन हैं, लिखी हुई हैं, इसी को आपको समझाता चल रहा हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात हमने आपसे की। फाइलम आर्थ्रोपोडा बिगेस्ट एनिमल फाइलम है, जिसमें मैक्सिमम लगभग 1,000,000 के लगभग 1,000,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं, 1,200,000 कुल एनिमल स्पीसीज़ हैं, जंतु जातियाँ हैं, और उनमें से 1,000,000 के करीब अकेले आर्थ्रोपोडा में है। इनमें भी 92-93% इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्टा के जो मेम्बर्स हैं उनके, जिनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी इसमें 3 जोड़े पैर होते हैं। तो अगर आपको आसपास अपने कोई भी इंसेक्ट, कोई भी आर्थ्रोपॉड दिखता है जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स हों, तो आप मान के चलें वो इंसेक्ट है। तो ये 92-93% ऑफ आर्थ्रोपॉड्स दे आर इंसेक्ट्स। आर्थो जॉइंटेड लेग अपेंडेजेस, पोडा का मतलब अपेंडेजेस, लेग्स, आर्थो का मतलब जॉइंटेड, यानी जिनके शरीर में खंडयुक्त शरीर हो, जॉइंटेड हो, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हो, ऐसे ग्रुप के जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपॉड्स को बिलोंग करते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इनमें जो जनरल कैरेक्टर्स में पहला हैबिट एंड हैबिटेट की बात है। इनके जो जीव हैं वो फ्री लिविंग हैं, और फ्री लिविंग में भी एक्वेटिक कंडीशन मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो जीव हैं उनमें टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो एक्वेटिक ना होकर के वो टेरेस्ट्रियल हैं, बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैं, उनमें टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन है,
इसलिए उनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। वो अलग है कि उनमें एरियल मॉडिफिकेशन मिलता है, चूँकि उनकी बॉडी बहुत लाइटर होती है, इसलिए उनमें एरियल एडाप्टेशन तो नहीं है, लेकिन एरियन मोड ऑफ लिविंग है। लेकिन एडाप्टेशन की बात की जाए, अनुकूलन की बात की जाए, तो उनमें स्थलीय जीवन में रहने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। यूरिकोटेलिक कंडीशन जो कि रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है, जो सरीसृप वर्ग के सदस्य हैं, उनको बेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। उनका भी एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होता है। इंसेक्ट का भी एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होता है। तो ये एक कैरेक्टर से आप समझ सकते हैं कि इनमें टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन होता है। यूरिक एसिड में वाटर के अमाउंट की मिनिमम ज़रूरत होती है, इसीलिए ये टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन कहलाता है। तो ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल है, ये याद रखिएगा कभी पूछा जाए। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे आर आर्थ्रोपॉड्स। देन द सेकेंड कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल जनरल बॉडी प्लान। तो इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन स्तरीय है, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, जो कि आपने देखा था एस्केल हेलमेंथीस से, प्लेटी हेलमेंथीस से शुरू हो गया था, वो कंडीशन यहाँ भी परसिस्ट कर रही है। सिलोमेट है, इनमें सिलोम पाई जाती है, वो अलग बात है कि सिलोम सेकेंडरली ब्लड फिल्ड कैविटी हीमोसील में बदल जाती है, यानी उसमें ब्लड भर जाता है, लेकिन हैं ये सिलोमेट। सिलोम पहले डेवलप होती है, लेटर इट इज़ फिल्ड विथ वॉट ब्लड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनका शरीर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, ट्रू सेगमेंटेशन होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन नहीं है, जैसा कि टीनिया सोलिया में आपसे चर्चा हुई थी, वो सीडो मेटामरिज्म शो करता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब हो गया कि इनमें जो पार्ट्स हैं पूरी लंबाई में बॉडी में स्थित होंगे, जिसकी शुरुआत ने लिडासन में देखी थी। सेफलाइजेशन ऑफ गुड क्वालिटी, इनमें जो सेफलाइजेशन की क्रिया है वो बेहतर होती है। नॉन कार्डेट में बेस्ट कहलाती है, लेकिन नॉन कार्डेट का ही एक ग्रुप है, मोलस्का का एक क्लास जिसको सेफेलोपॉड्स कहा जाता है, अगर उसको छोड़ दें एक्सक्लूडिंग सेफेलोपोडा, क्योंकि उसमें बेस्ट सेफलाइजेशन है सेफेलोपॉड में। अदरवाइज़ अगर एज ए फाइलम की बात की जाए, पूरे संघ की बात की जाए, तो आर्थ्रोपॉड्स में बेस्ट सेफलाइजेशन मिलता है नॉन कार्डेट्स के अकॉर्डिंगली। देन कम्स इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। में इनका शरीर तीन भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और जो अदर ग्रुप्स हैं एरेक्निडा के, क्रस्टेशियंस के, उनमें हेड और थोरैक्स आपस में जुड़ करके सेफेलोथोरैक्स बना देते हैं, और एब्डोमेन उनका दूसरा पार्ट होता है। साथ में इनके साथ अपेंडिजेस लगे होते हैं। अपेंडिजेस मेन शरीर, मुख्य शरीर से लगे हुए जो अंग होते हैं उनको उपांग कहा जाता है, अपेंडिजेस कहा जाता है, और ये मेन बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, और सभी के सभी जॉइंटेड होते हैं, यानी टुकड़ों में जुड़े होते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ अटैच्ड होकर के अपेंडिजेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये अपेंडिजेस बॉडी के तीनों पार्ट से जुड़े होते हैं। जो हेड रीजन से जुड़े होते हैं उनको सेफेलिक अपेंडिजेस कहा जाता है, जो थोरैक्स से अटैच्ड होते हैं उनको थोरैसिक, और जो एब्डोमेन के साथ जुड़े होते हैं उनको एब्डोमिनल अपेंडिजेस कहते हैं। सेफेलोथोरिक्स, सेफेलिक अपेंडिजेस की बात की जाए तो सेफेलोथोरेसिक अपेंडिजेस में, सेफेलिक अपेंडिजेस में एंटनी जो कि सबसे ऊपर की तरफ है, सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। कुछ अदर क्रस्टेशियन में एंटीन्यूज भी पाया जाता है। कंपाउंड आइज उसी हेड रीजन पर पाई जाती हैं, और साथ में माउथ पार्ट्स लगे होते हैं। माउथ पार्ट्स इंसेक्ट्स में मॉडिफाइड होते हैं अलग अलग फूड हैबिट के अकॉर्डिंगली, जो उनके भोजन के लेने का अपना तरीका है उसके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। किसी में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, किसी में कटिंग एंड चीविंग टाइप के होते हैं। काकरोचेस की बात करें तो कटिंग एंड चीविंग टाइप के होंगे, मॉस्किटो की बात करें तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होंगे। ये इनके सेफेलिक अपेंडिजेस हैं। थोरैसिक अपेंडिजेस की बात अगर देखी जाए तो इसमें लेग्स पाए जाते हैं, जो कि इसके वेंट्रल साइड से लगे होते हैं, अधर तल से जुड़े होते हैं। अगर डॉर्सल साइड से देखें तो इसमें विंग्स पाए जाते हैं। लेग्स इंसेक्ट्स में तीन जोड़े पाए जाते हैं, अदर में फोर पेयर, फाइव पेयर पाए जाते हैं। विंग्स दो पेयर होते हैं ज़्यादातर में, कुछ में एक पेयर होते हैं। फंक्शनल विंग्स वन हो सकते हैं या टू हो सकते हैं। इसके बाद एब्डोमिनस जो अपेंडेजेस हैं उनमें एनल सरकाई, एनल स्टाइल, एनल सरकाई ये साउंड रिसेप्टर है जो कि पोस्टीरियर मोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट से लगा होता है। एनल स्टाइल ये मेल और फीमेल को आपस में अलग करने के लिए है, क्योंकि एनल स्टाइल सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप कॉकरोच को, जो कि मुख्य एग्जाम्पल है जिसके डिटेल पढ़े जाते हैं, वो इसमें दिखाई पड़ते हैं। सेफेलोथोरेसिक अपेंडिजेस में भी, सेफेलोथोरेसिक एब्डोमिनल अपेंडिजेस में भी ढेर सारे अदर स्ट्रक्चर्स हैं। इसको डिटेल टाइप स्टडी में आप और गहराई से पढ़ेंगे। देन कम्स, इसके बाद
जो बात आती है वो बॉडी वाल की है, यानी अब इसके इंटरनल डिटेल्स की है, तो इनकी बॉडी वाल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिस्तरीय है। सबसे बाहर इनके काइटिन का बड़ा एक मोटा एक्सोस्केलेटन मिलता है, जो कि इसके भीतर पाई जाने वाली लेयर हाइपोडर्मिस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन शीट या प्लेट के रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में होता है, और उन शीट या प्लेट को स्क्लेराइट्स कहा जाता है। ये जो स्क्लेराइट्स होती हैं ये तीन नामों से जानी जाती हैं। जो डॉर्सल साइड पर स्क्लेराइट्स होंगी उनको टर्गाइट कहा जाएगा या टर्गम कहा जाएगा, जो वेंट्रल साइड पर होंगी उनको स्टर्नाइट कहा जाएगा, जो लैटरल साइड पर होंगे उनको प्यूराइट कहा जाएगा। इसको हम DTVS या LP से याद कर सकते हैं। ये स्क्लेराइट्स हैं, एक्सोस्केलेटन है, प्लेट्स के रूप में मिलती हैं। जैसे ताश के पत्तों को अगर बिखरा दिया जाए तो एक के ऊपर जो शीट दिखती है वैसा अरेंजमेंट की बॉडी में होता है, और इनके बीच में इन स्क्लेराइट्स को आपस में अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसके जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए पूरा एक कंप्लीट शील्ड ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों का बना शरीर की शील्ड होती है। इससे इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनके अंदर लचीलापन होता है, इनके मूवमेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद की जो परत है वो मसल्स हैं। मसल्स इसमें स्ट्राइप्ड मिलती हैं, यानी इसमें रेखित पेशियां पाई जाती हैं, वॉलंट्री मसल्स पाई जाती हैं, मगर ये कंटिन्यूस ग्रुप्स में नहीं होती, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, बल्कि ये समूहों में पाई जाती हैं, अलग अलग साइड पर मिलेंगी। अगर ये डॉर्सल साइड पर होंगी तो इनको टर्गल मसल्स कहा जाएगा, ये वेंट्रल साइड पर होंगी तो स्टर्नल मसल्स कहलाएंगी, लैटरल साइड पर होंगी तो प्लूरल मसल्स कहलाएंगी। ये मस्कुलर लेयर है। इसके बाद इसमें जो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी हाईली रिड्यूस्ड होती है, क्योंकि ट्रू सिलोम में ब्लड भर जाता है, इसलिए इट इज़ लार्जली फिल्ड विथ व्हाट ब्लड, ज़्यादातर ये ब्लड से भरी होती है, इसको हम हीमोसील कहते हैं। ट्रू सिलोम इज़ लिमिटेड टू एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये कुछ उत्सर्जी एवं प्रजनन जो अंग हैं उसके चारों ओर ही पाई जाती है। तो ट्रू सिलोम इज़ लिमिटेड टू एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये इनकी बॉडी कैविटी की बात है। देन अबाउट देयर फिजियोलॉजी, अब इस ग्रुप की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनकी बात अगर देखी जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, जो तीन भागों में बटी होगी, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। अब इनमें ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये माउथ में फेरिंग्स में ओपन होती है जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है। हेपेटाइटिस सी की, ये भी एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ी होती है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है। ये खास स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो जाता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रॉप, और ये क्रॉप स्टोरेज आर्गन है, यानी ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। ये हायर एनिमल्स में पाया जाता है, यहाँ लोअर एनिमल्स में भी ये दिख रहा है, एंड दिस क्रॉप इज़ हाईली डेवलप्ड, और इस क्रॉप का काम फूड स्टोरेज का है। ये इनके एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली विशेषता है। बाकी इसमें जो माउथ पार्ट्स हैं, जैसा पहले बताया था, ये माउथ पार्ट्स अलग अलग भोजन के हिसाब लेने के तरीके के हिसाब से अलग अलग से मॉडिफाइड होते हैं, लेकिन इन सभी में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कुल पांच होते हैं। लैब्रम को अपर लिप कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड अपर लिप, ऊपर की तरफ पाया जाता है, डॉर्सल साइड पर मिलता है। लेबियम वेंट्रल साइड पर होता है, इसको लोअर लिप कह देते हैं, तो ये लोअर लिप हो गया, वो अपर लिप हो गया। मैंडिबल्स लैब्रम के दोनों तरफ स्थित होते हैं, ये यूजुअली कटिंग का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। मैक्सिली ये कैप्चरिंग एपरेटस है, पकड़ने का काम करती है भोजन को, और इसको भी फर्स्ट मैक्सिली के रूप में हम जानते हैं। सेकंड मैक्सिली लेबियम का ही दूसरा नाम है, जिसको सेकंड मैक्सिली भी लिखा जाता है। तो मैक्सिली में फर्स्ट मैक्सिली है, और जो कि लेबियम के दोनों तरफ पाई जाती है। सेकंड मैक्सिली लेबियम को भी कहा जाता है, तो लेबियम का दो नाम हो जाता है, एक लेबियम है और दूसरा सेकंड मैक्सिली है। इसके बाद सेंट्रली प्लेस्ड हाइपोफेरिंग्स होता है, इसी हाइपोफेरिंग्स के बेस पर सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होती हैं। तो ये इनके माउथ पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग प्रकार से मॉडिफाइड होते हैं। देन कम द नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब अगली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखें। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का पाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड साइनसेस एंड लैकुनी में फ़्लो करता है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। ये ओपन टाइप का सिस्टम है, ब्लड फ्लोज इन साइनसेस एंड लैकुनी। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की खास बात है कि जो ब्लड है एक बड़े ग्रुप में, जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन इंसेक्टा,
क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो डायरेक्टली टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम इंसेक्ट के ब्लड का नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव मटेरियल्स को यानी पोषक तत्वों को, उत्सर्जी पदार्थों को ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए इंसेक्ट का ब्लड विशेष है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अदर ग्रुप में हीमोसाइनिन पाया जाता है जो कि कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट है जिसमें लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, मगर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यानी हीमोग्लोबिन इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, तो वो नहीं पाया जाएगा। तो ये ख़ास बात है जिसमें ध्यान रखने की है कि ब्लड इज़ स्पेशलाइज्ड, इट इज़ विथ और विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देन कम द नेक्स्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके अलग अलग ग्रुप्स में तीन तरह का मिलता है। एक ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जैसे घरों में पाइपलाइन का कनेक्शन आप देखते हैं, एक मेन लाइन है, उसके बाद ढेर सारी ब्रांचिंग उसकी हमारे घरों में फैल जाती है, हम उससे चाहे जितने कनेक्शन निकाल लें। वैसे ही इस ट्रैकियल ट्यूब की एक मेन ओपनिंग बाहरी सतह पर होती है, बाहरी आउटर सरफेस पर, वो भी वेंट्रल साइड पर यूजुअली पाई जाती है। फिर ये ट्यूब भीतर जा कर के ब्रांच आउट कर जाती हैं, अनेकों शाखाओं में बढ़ती चली जाती हैं, पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होती चली जाती हैं, और जो लास्ट इसकी अंतिम ट्यूब होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकियोल्स, और उस पतली सबसे ट्यूब को ट्रैकियोल्स कहा जाता है जो कि सेल के भीतर चली जाती है, वो टिश्यू या सेल के भीतर प्रवेश कर जाती है, और फिर जो एयर होती है वो ट्रैकियल ट्यूब्स में ट्रैवल करती है, उसके भीतर जाती है, और अंत में ट्रैकियोल से होती हुई सेल में चली जाती है, जहाँ सीधे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ट्रैकियोल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इस ट्रैकियोल में भी फ्लूड भरा होता है जो कि सेलुलर फ्लूड ही होता है, उसको ट्रैकियोलर फ्लूड कहा जाता है। तो ट्रैकियोल में है तो ट्रैकियोलर फ्लूड कहते हैं। ऐसी ट्यूब्स बनेंगी और ये ट्यूब्स इस तरीके से अंत में एक सेल के भीतर चली जाएंगी, इसमें ये द्रव्य भरा हुआ है, ये जो द्रव्य है यही क्या है, यही है ट्रैकियोलर फ्लूइड, एंड यहाँ सीधे एयर आ रही है और ये सीधे सेल में जा रही है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज आउट कर जाएगी किसमें, ट्यूब्स में। ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ज़्यादातर आर्थ्रोपॉड्स में मिलता है, इंसेक्ट्स में मिलता है। कुछ में बुक लंग्स पाए जाते हैं, इसका शेप बुक के जैसा होता है, एरेक्निडा, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, इन सब में बुक लंग्स पाए जाते हैं। जो बाकी के एक्वेटिक क्रस्टेशियंस हैं यानी जल में रहने वाले क्रस्टेशिया समूह के सदस्य, उनमें गिल्स पाए जाते हैं, ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देन कम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनमें मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट का इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के हिसाब से ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच्ड होती हैं, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ब्लड से एब्जॉर्ब होकर के इन ट्रैकियल मैलपीजियन ट्यूब्यूल से अल्टीमेटली एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होता है, उसमें जो कुछ भी एक्सेस वाटर रह जाता है उसको टोटली एब्जॉर्ब करके एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों से वापस ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अंत में जो फैसीज है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो फैसीज के साथ, वो मल के साथ बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पैलेट्स, बिल्कुल ड्राई पैलेट्स के रूप में फैसीज भी और उसी के साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी आउट हो जाता है। ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स का मामला है। ऐसे ही ग्रेन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड, ये हेड पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, हेड की जो एंटीनी है उसी एंटीनी का एक टुकड़ा है, उसको कॉक्सा कहा जाता है। उस कॉक्सा के भीतर ग्रंथि मिलती है, ग्लैंड पाई जाती है, और उस ग्रंथि, उस ग्लैंड को कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है, वो भी उस सर्जन में भाग लेती है। बाकी के जो मेंबर्स हैं एरेक्निड्स के हैं और जो क्रस्टेशियन हैं उनमें कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। इनमें मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इसको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जो एक्वेटिक हैं, जो जली हैं क्रस्टेशियंस, उनमें यह मोनोटेलिक कंडीशन पाई जाती है, यूरियोटेलिक कंडीशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। ये इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात है। नर्वस सिस्टम टोटली एनलिडन टाइप लिखा जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग है जो कि मुख्य ब्रेन के साथ उसकी तुलना की जाती है, और फिर उस नर्व रिंग के साथ नर्व कॉर्ड अटैच्ड होता है, और उस नर्व कॉर्ड की पोजीशन वही होती है, इट इज़ वेंट्रल इन पोजीशन, इट इज़ डबल एंड सॉलिड, ये डबल और सॉलिड होता है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनसे निकलने वाली जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोस्टली एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच्ड होता है, आहार नाल के साथ अटैच्ड होता है, बट इज़ मोर डेवलप्ड, यह अधिक विकसित होता है। लेकिन हायर कॉर्डेट्स के जैसा सिंपथेटिक पारासिंपथेटिक अनुकंपी परानुकंपी तंत्र का विभाजन अभी भी इसमें नहीं पाया जाता। इनमें ढेर सारे सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिसमें एंटीनी है, एनल सर्काई है, एंटीन्यूल्स हैं, अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो सब पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर इसमें बड़ा विशेष होता है, जो कि कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र के रूप में जाना जाता है। ये कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये कई यूनिट्स का बना होता है, और कंपाउंड आइज की यूनिट्स को ओमाटीडियम कहा जाता है, और ये ओमाटीडिया 2000 से 4000 के करीब अलग अलग जो इनके एनिमल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो कंपाउंड आई ये आर्थ्रोपॉड का सबसे इंपॉर्टेंट अलग करैक्टर है, जो कि किसी दूसरे ग्रुप में नहीं मिलता। कॉम्बिनेशन ऑफ आइज यानी ढेर सारी जो आँखें हैं वो जुड़ करके एक एक बड़ी आँख बना दें, इसको कंपाउंड आइज कहा जाए, और एक यूनिट को इसलिए ओमाटीडियम कहा जाता है। इट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की, तो याद रखिए कि इनमें डायोसियस कंडीशन पाई जाती है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल एक दूसरे को बाहर से ही देख करके अलग किए जा सकते हैं, दोनों के सिस्टम पूरी तरह से भरपूर विकसित होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कॉपुलेशन के बाद होता है, और ये ज़्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी भीतर की तरफ मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवा आपस में संयुक्त फ्यूज़न की क्रिया में जाते हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनमें डेवलपमेंट ज़्यादातर में इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा लार्वा क्रस्टेशियन ग्रुप में पाए जाते हैं। फिर लार्वा से मेल के बनने की प्रोसेस लंबी है, उसमें अदर स्टेजेस भी पाई जाती हैं, उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इस मेटामॉर्फोसिस में अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो उसमें कई स्टेजेस मिलती हैं, जिनमें लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद फिर इमैगो, एंड देन एडल्ट, फिर एडल्ट बनता है। तो एग होगा, एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से इमैगो की स्टेज आएगी, इमैगो के बाद फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये लार्वल फॉर्म्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो उसमें रेगुलर लार्वा लिखा जाता है, रेगुलर, हाउस फ्लाई की बात करें तो उसमें मैगट लार्वा, फॉर्म्स हैं जिनमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं, इनको अलग से लिख करके याद कर डालिएगा। कई लार्वल फॉर्म्स हैं, ग्रास हॉपर का लार्वा अलग है, मैगट लार्वा यहाँ इसका मिल रहा है, तो ढेर सारे लार्वल फॉर्म्स हैं, इनके नाम आप याद कर लेंगे। बाकी अलग से डिटेल टाइप डिटेल में जब चर्चा होगी तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये बात आपकी हो गई अबाउट द कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स। देन कम टू इट्स क्लासिफिकेशन, बड़ा क्लासिफिकेशन है, 1,000,000 जीव जातियों का क्लासिफिकेशन है। इसीलिए इसमें सबसे पहले आर्थ्रोपोडा को सब फाइलम में बांटा गया। सबसे पहला सब फाइलम ओनाइकोफोरा बनाया गया। ओनाइकोफोरा में जो एग्जांपल है वो पेरीपैटस का एग्जांपल है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसके अंदर एनलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के मिक्स कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओनाइकोफोरंस को और पेरिपेटस को दोनों को याद रखने का। देन कम द नेक्स्ट सब फाइलम ट्राइलोबिटोमार्फा, ये लिविंग फाइलम है, इसमें कई और फाइलम है जो कि फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, उनकी चर्चा हम आपसे नहीं कर रहे। तो ट्राइलोबिटोफार्मा मार्फा ये ट्राइलोबाइट्स ट्राईआर्थस एक एग्जाम्पल है, उसका ये ग्रुप है। चेलीसेरेटा, इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको चेलीसेरी कहा जाता है। ये पिंसर शेप्ड यानी कि जो चिमटी आप समझें, फोर्सेप्स शेप्ड वैसा स्ट्रक्चर है, अक्सर ये कैप्चरिंग का काम करता है, अन्य कार्यों में इसका प्रयोग होता है। ये अपेंडेजेस के रूप में होता है, मेन बॉडी के साथ अटैच स्ट्रक्चर जिनमें मिलेगा उन सबको चेलीसेरेटा में रखा जाता है। इसे दो क्लासेस में बांटा गया है, मीरोस्टोमेटा इसमें लिम्यूलस है या किंग क्रैब है, एरेक्निडा इसमें स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, टिक्स और माइट्स हैं, ये ग्रुप दोनों जिनमें चेलीसेरी पाई जाती है, ये चेलीसेरेटा के मेंबर्स हैं। पाउरोपोडा पांटोपोडा ये सी स्पाइडर्स जिसको निम्फॉन कहा जाता है, उसका ये अलग ग्रुप है जिसमें सी स्पाइडर्स पाई जाती। उसके बाद अगला जो ग्रुप है वो मैंडिबुलेटा का है। मैंडिबुलेटा में तीन क्लासेज हैं, वन इज क्रस्टेशिया,
मायरियापोडा एंड देन इंसेक्टा। क्रस्टेशिया में प्रॉन है, पैलीमॉन है, लॉबस्टर्स है, डेफनिया है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। डेफनिया को वाटर फ्ली कहा जाता है। मायरियापोडा में सेंटीपीड है, शतपादा जिसे कहते हैं, स्कोलोपेंड्रा उसका जूलॉजिकल नाम है, मिलीफेरा जुलस इसमें मिलियंस ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, और जो सेंटीपीड है उसमें हंड्रेड्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, ये ग्रुप है। इंसेक्टा बहुत बड़ा ग्रुप है, 92-93% का, इसलिए इसको आगे काफ़ी ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। मैं थोड़ी सी ही चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। अब क्लास इंसेक्टा में सब क्लास बनाया गया। ए टेरिगोटा पहला ग्रुप बनाया गया, दूसरा ग्रुप बनाया गया टेरिगोटा। ए टेरिगोटा इसका मतलब टेरेली शब्द से आया है, टेरेली का मतलब होता अरेंजमेंट ऑफ फैदर, ये शब्द है अरेंजमेंट ऑफ फैदर। जो बर्ड्स हैं, चिड़ियां हैं, उनमें जो फैदर्स होते हैं, कंटूर फैदर, डाउन फैदर, फिलोपियम प्लेडर, रेक्ट्रिसेस, रेमिचेस, उनके अरेंजमेंट के लिए एक टर्म है टेरेली। तो उसी टेरेली का टेरी यहाँ लिया और टेरिगोटा बना दिया, ए लगा दिया, इसका मतलब इसमें विंग्स नहीं होते, जिनमें विंग्स होते हैं उसको टेरिगोटा में रख दिया। फिर ए टेरिगोटा में इसके ऑर्डर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है बुकवर्म का, जिसको लेपिज्मा कहा जाता है या सिल्वर फिश कहा जाता है। तो ए टेरिगोट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, उनमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो विंगलेस हैं वो ये बुकवर्म हैं, जिसमें लेपिज्मा एक एग्जाम्पल है, इसको सिल्वर फिश कहा जाता है। टेरिगोटा को दो भागों में बांटा गया, एंडोप्टेरिगोटा, एक्सोप्टेरिगोटा। विंग का अटैचमेंट, विंग्स अगर सरफेस से अटैच्ड हैं, सतह पर लगे हैं, विंग डेड बड बाहर की तरफ है तो एक्सोप, और अगर भीतर की तरफ है, अंदर से लगे हुए विंग्स, तो एंडोप्टेरिगोटा। इनके 24-25 ऑर्डर्स हैं, ढेर सारे ऑर्डर्स हैं, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा का, जिसमें काकरोच है, लोकस्ट है, ग्रास हॉपर है, स्टिक इंसेक्ट हैं, ये सारा ग्रुप ऑर्थोप्टेरेंस का कहलाता है। उसके बाद डिप्टेरा, डिप्टेरेंस में हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मिलानोगैस्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिकल रिसर्च का टूल है, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मिलानोगैस्टर, तो ये डिप्टेरेंस कहलाते हैं। बाकी हेमिप्टेरा है, एनोप्ल्यूरा है, बेड बग से लेकर के ढेर सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं। काइंडली आप इसको अपने बुक से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने एक प्लान आपके सामने रख दिया है। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। इन नट सेल में बहुत लंबा वीडियो होने पर दिक्कतें आती हैं, इसलिए सारी चीज़ों को मैंने लिख करके आपको समझा दिया है। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। इट्स अ वेरी बिग फाइलम, बड़ा फाइलम है, शॉर्ट में जितने इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। जैसा मैंने कहा है, टाइप डिटेल्स जो कि आपके हायर एग्ज़ाम्स के लिए खूब पूछे जाते हैं लोअर के, तो उनको हम जो है आगे अलग से शुरू करेंगे। जब प्रोटोजोअन टाइप्स आएंगे, उसके बाद पोरिफरेंस के, ऐसे एक एक फाइलम की जब टाइप डिटेल्स आएंगी, पहले जनरल डिस्कशन कंप्लीट कर लें तो बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपसे फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं पर होगी। दो मिनट में आप अगर लिखना चाहें, हालांकि काफ़ी वक्त था आज, आपने ज़रूर इसको लिख कर लिया होगा, फिर भी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है, इसके बाद ये सेकंड पेज है, दैट इज द थर्ड पेज, ये तीसरा पन्ना है, देन इट इज द फोर्थ पेज, एंड इज द लास्ट एंड द फिफ्थ पेज, ये अंतिम पेज है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।